मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट आता है जब मैं ऑफर लेटर रिसीव करता हूँ, उसके बाद वीजा का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। मुझे पिक करने के लिए मेरा कंपनी की तरफ से एक कार भेजा गया था। हेलो एवरीवन, दिस इज गफ्फर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल्स अगेन। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि मुझे यूके में कैसे जॉब मिला है और मैं कैसे इंडिया से यूके आया हूँ। और वो जो जॉब मिला है मुझे इंडिया से मिला है, मैं यहीं पे आके जो अप्लाई ऐसा कुछ किया नहीं था, वहीं पे सारे कुछ किया। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला है, यहीं पे बहुत जल्दी शाम हो जाता है, लाइक 4 बजे ऑलमोस्ट। यहीं पे दिन इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं रात में 11-12 और उठते 9-10 बजे, उठ के लंच वंच करने करने 2-3 बज जाते हैं और उसके बाद शाम हो जाता है। बहुत जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा था, लाइक मुझे कैसे यूके में जॉब मिला और कैसे मैं यूके में आया। बींग एन इंडियन, बींग एन एशियन, लाइक हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को हमेशा ऑलवेज एक ड्रीम रहता है कि अमेरिका आए, यूके आए, यूरोप में आए, यहीं पे सेटल डाउन हुए, यहीं पे कोई जॉब मिल जाए, यहीं पे घूमने आए, ऑलवेज ये सब ड्रीम ऑलवेज रहता है हम लोगों का। पर आने के लिए जो रास्ता होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। बहुत कॉमन रास्ता ये है कि एज अ स्टूडेंट आ सकते हैं, पर मैं जब स्टूडेंट था मुझे वो मौका नहीं मिला, मुझे वो जानकारी नहीं मिला, तो वो रास्ता बंद हो गया। और एक रास्ता ये है कि कोई अगर फैमिली रहता है, कोई बिलोंगिंग्स रहता है, तो वो आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो इस वे में भी आ सकते हैं। और बहुत जन ऐसे भी आते हैं, अनलकली मेरा तो ऐसा कोई है ही नहीं। और एक रास्ता हो सकता है, इंडिया बैठे बैठे ऐसा कोई जॉब मिल जाए कि यूके में, यूरोप में या अमेरिका में, तो ये एक रास्ता हो सकता है। तो उसके लिए मोस्टली जो होता है वो आईटी प्रोफेशनल लोगों को होता है, इंजीनियर्स डॉक्टर्स के होता है, पर मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं था। तो इसलिए जो मेरा ड्रीम था, ड्रीम साथ साथ ऐसा मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे यहीं पे आने का मौका मिलेगा, यहीं पे आएंगे ऐसा कुछ। पर मैं इंडिया में आराम से काम कर रहा था, अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मैं बाहर तो आना चाहता था, पर यूके, यूरोप या अमेरिका में आएंगे ऐसा कभी सोचे नहीं थे। तो मैं बाहर आने की ऐसा कोशिश कर रहा था जो मोस्टली गल्फ होता है। करते करते मेरा एक फ्रेंड है नीलदा, मैं डेफिनेटली उनका नाम मेंशन करूँगा यहीं पे, नीलदा ने मुझे रिकमेंड किया था कि यूके के लिए, क्योंकि नीलदा का एक फ्रेंड आया था यूके जॉब के थ्रू, तो मैं ऐसे अप्लाई कर दिया था। और ये बात है ऑलमोस्ट 1 साल पुराना, मैं ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ। पर विद इन फ्यू मंथ्स मैं अपने जो प्रीवियस कंपनी में, कंपनी का एक आउटिंग हो रहा था, तो हम कलीग लोगों के साथ बाहर खाना खा रहे थे, उसी टाइम एक लेडी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे अप्लाई किया था कि नहीं, मेरा नाम कंफर्म किया और मेरा पासपोर्ट इमिडिएटली मांगा, तो मैं तो भेज दिया, मैं बहुत खुश हो गया था। तो वो जो ड्रीम है अंदर, तो तब से थोड़ा थोड़ा जागना स्टार्ट हो गया। तो उसके कुछ दिन बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, मैंने इंटरव्यू 2 राउंड दिए, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया। क्या हुआ, शायद मैं अच्छा नहीं दिया था, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मैं इंडिया में जो कंपनी में था वहीं पे बहुत लाइक कंफर्ट जोन में था, तो मैं ऐसे बाहर जाने का सोचा नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद फिर से मैंने अप्लाई किया कुछ इधर उधर, तो उसके बाद फिर से मुझे एक कॉल आता है और इंटरव्यू शेड्यूल होता है। वहीं पर लाइक 3-4 राउंड इंटरव्यू होता है और एक वेबिनार होता है जहाँ पे बताया कि कैसे सैलरी होगा, कैसे यहाँ पे कॉस्टिंग होगा, कैसे प्रोसेस है। यहीं पे और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो लाइक यूके आने का जो वीज़ा लगता है, ये जो कैटेगरी है वीज़ा पर्टिकुलरली, इसको Tier 2 बोलते हैं, Tier 2 या स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में क्या होता है, जो यहीं पे आने के लिए एक बंदे को बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लाइक बहुत कुछ दिखाना होता है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या सोर्स ऑफ इनकम, बहुत कुछ दिखाना होता है, बैंक स्टेटमेंट। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में क्या होता है, कंपनी स्पॉन्सर करते हैं, और स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है, कंपनी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे आपका, लाइक जो आएगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको एक कैटेगरी कंपनी बोलते हैं, लाइक ये सारे कंपनी के पास नहीं होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनी के पास नहीं होता है, बहुत सारे कंपनी के पास होता है, जिन लोगों के पास होता है उन लोगों का एक कैटेगरी कंपनी बोलते हैं, वही पर्टिकुलर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस होता है। मुझे जो कंपनी से कॉल आया था, तो उसके पास वो ए सर्टिफिकेट थी, ए रेटेड सर्टिफिकेट थी, और उन लोगों के पास स्पॉन्सरशिप का परमिशन भी था, तो इसलिए वो लोग ऐसे समझाए कि कैसे क्या होगा। तो उसमें
मेरा ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, कंपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मेरा इंटरव्यू हो गया, सेटल हो गया, सब कुछ हो गया कंप्लीट। तो जब मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट आता है जब मैं ऑफर लेटर रिसीव करता हूँ, और ऑफर लेटर में मुझे ई साइन करना था यहीं पे एक एम्बुलेंस यानी पुलिस जीप जा रहे हैं। तो मेरा ऑफर लेटर आ गया था और वहीं पे ई साइन करके मुझे मैं अपलोड कर दिया। उसके दो दिन बाद मुझे एक चीज़ भेजा गया कि मतलब यूके में आने के लिए टीवी टेस्ट करना होता है कि टीवी है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे टीवी टेस्ट करने के लिए बोला गया, और कोलकाता में कहाँ पे लाइसेंस मेडिकल है वो मुझे भेज दिया गया। तो वहीं से मैंने टीवी टेस्ट कंप्लीट कर लिए, जहाँ पे मुझे 2000 लगा था। तो ये मेरा फर्स्ट खर्चा हुआ था यहीं पे आने के लिए, जो मैंने खर्चा या जो भी किया तो मेरा फर्स्ट खर्चा था 2000। उसके बाद यूके या योर मोस्ट ऑफ द कंट्री में सही सब आने के लिए लाइक फर्स्ट ऑल में एक इंग्लिश टेस्ट देना होता है, आइल्स बोलते हैं। तो ये उन लोगों को नहीं देना पड़ता है जिनका पास लाइक ग्रेजुएशन है इंग्लिश मीडियम में। तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम में कोई ग्रेजुएशन था नहीं, तो ये मुझे देना पड़ा। तो ये मैं लाइक यहीं पर आने के लिए खर्चे में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट था नहीं, इसलिए मुझे देना पड़ा। तो वो आइल्स एग्ज़ाम मैंने दिया, मेरा 14000 खर्चा हुआ, और वो थोड़ा बहुत टाइम लगा था मुझे, लाइक थोड़ा बहुत इन द सेंस ऑलमोस्ट वन मंथ लग गया था। लाइक ज़्यादा टाइम लगता नहीं, 15-10 days में हो जाता है, पर जो कोलकाता पूजा के टाइम में था तो इधर उधर करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो वो मैंने जब भेजा तब मेरा डॉक्यूमेंट जो मैंने भेजे थे तो उसका सारे वेरीफिकेशन हुआ, क्योंकि वेरीफिकेशन इसलिए किया क्योंकि वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। तो वीज़ा के लिए और एक चीज़ यहीं पे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे जो वीज़ा का जो कॉस्ट होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, इंडिया के कंपेरिजन लाइक 2.5 lakhs अराउंड आता है, जो तो मैं खर्चा करने वाला में से मैं नहीं था, तो वो कंपनी मतलब वो पूरा खर्चा करेंगे। तो इसलिए जो कंपनी खर्चा करेगी इसलिए वो लोग लाइक बहुत केयरफुली सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए अच्छे से, उसके बाद वीज़ा का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। और कोलकाता में मैं जहाँ पे रहता था लाइक मेरा घर के एकदम बगल ही में जो VFS ऑफिस था, यहीं पे जो वीज़ा के अपॉइंटमेंट होता है VFS ऑफिस में होता है, वो वहीं पे था। तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, मेरा शिफ्ट था फिर भी मैंने बुक कर लिया अर्ली मॉर्निंग में, ताकि मैं जल्दी से वहीं पे कंप्लीट करके निकाल लूँ। तो वहीं पे मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो वहीं पे जो मुझे रिसीट मिला था उसमें मेंशन था कि मुझे टाइम जो लगेगा मिनिमम 5 to 7 weeks, जो थोड़ा लॉन्ग टाइम है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था विद इन 5 days मैं SMS मुझे मिला कि वीज़ा हो गया, और मैंने जाकर वहीं से वीज़ा कलेक्ट कर लिया। और वो जो वीज़ा जब मुझे मिला था उसी टाइम मुझे एक सिम कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया था, जो UK वाला सिम कार्ड। तो वीज़ा आ गया, पर इसका जो खुशी है मैं लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, कितना खुशी है कि UK जॉब का मुझे वीज़ा मिल गया। और यहीं पर मेरा खर्चा टोटल हुआ था 14 plus 2, 14 मैं इंक्लूड नहीं कर पर 2, पर मुझे अभी खर्चा क्या था, बस टिकट खरीद के आ जाना है। तो मुझे एक डेट दिया गया, एक पर्टिकुलर डेट दिया गया, और बोला गया जो लंदन में आना है लाइक 3 बजे से पहले, आफ्टरनून 3 बजे से पहले। तो मुझे जिस दिन मिला था डेट उस दिन कोलकाता से डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं था, जो एक फ़्लाइट था जो मतलब शाम को 8 बजे पहुँचेगा एमिरेट्स वाला। तो मैं इसलिए मुंबई से फ़्लाइट लिया, तो कोलकाता से मुंबई बाई ट्रेन आया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेज था डोमेस्टिक फ़्लाइट में जो अलाउ नहीं होगा। तो कोलकाता से मुंबई बाई ट्रेन आया, मुंबई से यहीं पे आ गया। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ कि मेरा फैमिली वाला मुझे एयरपोर्ट में छोड़ने नहीं आया, मेरा एक दोस्त था सिद्दीक जो मुझे छोड़ने आया था एयरपोर्ट में, दैट्स इट। पर एनीवे मैं लैंड किया बस लंदन में, उसके बाद मुझे पिक करने के लिए मेरा कंपनी की तरफ से एक कार भेजा गया था, जो मुझे पिक करके जो जहाँ पर मेरा लाइक ट्रेनिंग सिटी है कोवेंटी वहीं पर लेके आया। और मेरा जो वीज़ा था उसमें क्या क्या इंक्लूड था स्पॉन्सरशिप वीज़ा, मैं बता देता हूँ। 3 months ऑफ एकोमोडेशन फ्री, 1 month ऑफ फूडिंग फ्री। 1 month ऑफ फूडिंग इन द सेंस एक मोबाइल डिलीवरी ऐप है डिलीवरू बोल के, उसमें 3 weeks 100 pounds पर वीक करके मुझे बैलेंस दिया गया था। 100 pounds 10,000 इक्विवेलेंट आएगा, जो मतलब काफ़ी इनफ है। अगर वो 300 pounds को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ऑलमोस्ट चलने वाला है लाइक 2-3 months का ग्रॉसरी आ जाएगा, 2 and 2.5 months का। और मेरा एकोमोडेशन दिया गया, जो मुझे एकोमोडेशन दिया गया एक लाइक अपार्टमेंट है जहाँ पे 5 bedroom है, 5 सारे सेम कंपनी के, हम लोग सेम लोग इंडिया से आए थे, तो वो लोग पहले से था, मैं आया और वहीं पे मिल बांट के अभी रहते, अभी भी वहीं पे मैं हूँ, क्योंकि मेरा अभी 1 month कंप्लीट हुआ है बस।
तो वहीं पे बस रह रहा हूँ। मेरा जॉब काफ़ी अच्छा है और मुझे जो सैलरी फर्स्ट मिला वो 3x का मिला, बहुत अच्छा मिला। और मेरा फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा सैलरी एक बार में अकाउंट में घुसा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस ऐसे ही मैं UK पहुँच गया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया से मुझे UK इतना इजीली नहीं बोल सकता, क्योंकि एक एक्सपीरियंस लगा मेरा जो, क्योंकि स्किल्ड वर्कर भी जाए तो एक स्किल की ज़रूरत होता है इस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए। क्योंकि अगर आप अनस्किल्ड है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर भेजा का क्राइटेरिया है कि अच्छा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इजी नहीं बोलूँगा, बहुत सारा राउंड इंटरव्यू हुआ, मैं अच्छे से इंटरव्यू दिया, क्लियर किया, मेरा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। उसके बाद 1 लाख मैटर किया, पर बहुत लंबा टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर, लाइक 10 to 11 months मुझे लगा पूरा सारे प्रोसेस कंप्लीट करने में। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में मैं ज़्यादा किसी को शेयर नहीं किया था, क्योंकि अगर नहीं होता है तो थोड़ा ख़राब लगता है। पर जब हो गया, सबको पता चल गया, और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो बहुत लोग देख भी रहे हैं, सबको पता है। और मेरा फैमिली जो है बहुत प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि मोस्टली यहीं पे आने के लिए स्टूडेंट्स लोग 15 to 20 lakhs तक खर्चा करते हैं, और मेरा फैमिली का भी कुछ खर्चा ही नहीं हुआ मेरे ऊपर यहीं पर आने के लिए। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं कि मैं यहीं पर हूँ, और आप लोगों के दुआ से मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि और भी आगे अच्छा करूँ, और मेरा जो इस जर्नी में मैं जो भी करने वाला हूँ, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सारे चीज़ मैं ब्लॉग या इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरह यहीं पे शेयर करते रहूँगा। इसीलिए आपका सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला हूँ यहीं पर शेयर करने के लिए। और मैं और एक चीज़ सोच रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारा आते हैं इंडिया में, और इनफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो और मैं जहाँ पे रहता हूँ वो एक यूनिवर्सिटी में बगल में, तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट रिलेटेड भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ और शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि स्टूडेंट जब आ रहे हैं, इतना खर्चा करके आ रहे हैं, तो क्या है कंडीशन, कैसे आना है, कहाँ पर रहना है, सब कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा, और कैसे कोर्सेज होते हैं यहीं पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वे इस वीडियो अगर लाइक अच्छा लगा हो, मैं जो खुश हूँ या आप में थोड़ा सा भी मतलब मैं ट्रांसफ़र कर पाया इस वीडियो के थ्रू, तो लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल नाउ बाय बाय।